नूरपुर पंचायत की नागनी के गांव गुलहाड़पुर में पिछले 6 दिनों से ग्रामवासी पानी की समस्या से परेशान हैं। गांव में ना तो हैंडपंप है और ना ही कोई कुआं है। लोग दूर दराज खड्ड से पानी ला रहे हैं और गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। समस्या को हल करने की बजाय प्रशासन ने मेन पाइप से ही पाइप को काट दिया है, जिसके कारण पानी की सप्लाई बंद है, जिससे गांव के लोगों में काफी गुस्सा भी है। गाँव वासियों ने बताया कि 35 वर्ष पहले गांव के लिए कुट्टा टैंक से पाइप पीने के पानी के लिए डाली गई थी। उस समय पीछे कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ करता था और गांव में सुचारू रूप से पानी आता था, लेकिन जैसे जैसे पीछे कनेक्शन मिलते गए उससे पानी की दिक्कतें पैदा होती गईं। सिंचाई विभाग से भी उन्होंने आग्रह कर एक पाइप पानी के लिए डलवाई थी, जो 1.5 इंच वाली कुट्टा से गुलहाड़पुर तक डलवाई गई थी। इस पाइप को डाले हुए लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं। विभाग ने अब उस पाइप के माध्यम से पाइप को काट कर दूसरे गांव को सप्लाई दे दी है। गांववासियों का आरोप है कि बार बार विरोध करने के बाद भी विभाग केवल आश्वासन ही दे रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि विभाग ने गांव वालों को डराया और धमकाया है कि अगर यहां से पानी का कनेक्शन नहीं होने देंगे तो वे उचित कार्रवाई करेंगे और गांव को दिया पानी का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। इन्होंने क्या किया कि उस पाइप को बीच में ऐसे मध्य से जहाँ से टैंक से नीचे आती है और हमारे घर भी टेल एंड में पड़ते हैं जहाँ पर ऊंचाई है, और जब ये मध्य से काटने लगे तो हमने गांव वालों ने एजिटेशन किया कि जब आप जहाँ से पाइप काट देंगे और दूसरे गांव को पानी देंगे तो हमें पानी ऊपर नहीं आया। हमने पहले भी पानी का जहाँ पर संघर्ष किया। जिन लोगों को ये कनेक्शन देना चाहते हैं, मैं तो विभाग से ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये कनेक्शन देना चाहते हैं, गांव रिन्ना के लिए 53,000 लीटर कैपेसिटी का एक टैंक बना हुआ है, ओवरहेड टैंक बना हुआ है, और जिन लोगों को ये कनेक्शन देना चाहते हैं वहां से 2 इंच पाइप डाली हुई है और उस गांव को जा रही है, उस उन 5-7 घरों को जा रही है, और जिन घरों को ये कनेक्शन दे रहे हैं वहां पर 5,000 लीटर कैपेसिटी के टैंक बने हुए हैं, और उन टैंकों में आप मौका देखें और वहां पर पानी भरा हुआ है। हम विभाग को ये भी बोला कि आप जहां वहां पर चलो, अगर इनको पानी नहीं आ रहा है तो हम पानी इनको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विभाग वहां पर नहीं जाता है और उन घरों में 2-2 कनेक्शन लगे हुए हैं। जब हमने ये भी एजिटेशन किया लेकिन विभाग ने हमारी एक भी नहीं सुनी। इससे पहले हमने IPH एक्शन को एक लेटर भी दिया था कि हमारी पाइप को डिस्टर्ब ना किया जाए ताकि हम लोगों को दोबारा समस्या का समाधान ना करना पड़े, और विभाग ने हमें आश्वासन दिया कि हम इनको अलग पाइप डाल देंगे। हमने सोचा अब अलग डाल देंगे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हमारे ऊपर दबाव बना के ये ऐसा किया है। हम गांव वाले, हमारे ना कोई हैंडपंप है, ना कोई हमारे पास कोई पानी का साधन है, ना बाबड़ी है, ना कोई कुआं है, लेकिन हम खड्डों से पानी भर रहे हैं। अगर जनाब से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये हमारे बच्चों को कुछ हो गया या हमारे बुजुर्गों को और बूढ़ों को कुछ हो गया तो हम ये अगर कल को जो मर गए तो हम प्रशासन इसका जिम्मेवार होगा, हम जिम्मेवार नहीं होंगे। ये पिछले 6 दिन से हमारे गाँव में पानी नहीं आ रहा है और मुझे स्कूल जाना पड़ता है रोज, तो उसके लिए पहले मुझे नालों में जाके पानी भरना पड़ता है और उसके बाद मुझे नहाना पड़ता है, जिसके कारण मैं रोज़ लेट हो रही हूँ और मुझे स्कूल में भी बहुत डांट पड़ रही है इसकी वजह से, और मुझे एलर्जी भी है तो मुझे एलर्जी के कारण दवाई लगानी पड़ती है, उसके कारण मुझे नहाना पड़ता है रोज़, और इसके लिए मुझे पानी नहीं मिल रहा है। तो अगर मेरी एलर्जी ज़्यादा ख़राब होगी तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। हमें रोज़ 2 किलोमीटर जाके नालों से पानी भरना पड़ता है, उसके नालों का पानी इतना गंदा है कि वो पीने लायक नहीं है, बट फिर भी हम पी रहे हैं उस पानी को, और हमारे यहाँ छोटे बच्चे बूढ़े सब लोग हैं वो उसी पानी को पी रहे हैं। अगर वो पानी, उस पानी से कितनी बीमारियाँ होंगी, अगर कुछ भी हुआ, कुछ भी लोगों को कुछ भी हुआ, तो इसके साथ पूरा प्रशासन जिम्मेवार होगा। गाँव वासियों का आरोप है कि गांव के लोग पैसा देकर पीने वाला पानी टैंकों से मंगवा रहे हैं, जिसकी कीमत 1500 रुपये रोजाना लग रही है। लोग खड का पानी पीने को भी मजबूर हैं। गांव वालों ने कहा कि मध्य से 1.5 इंच पाइप को काट कर 1/2 इंच पाइप का कनेक्शन कुछ लोगों को विभाग द्वारा दिया गया था, जिस कारण उनके गांव में पानी की सप्लाई बंद हो रही है और उन्हें पानी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। अभी जो जब से ये पाइपें काटी गई हैं तब से हमें पानी का बिल्कुल भी कहीं से कोई सोर्स नहीं है। हमारे आसपास कोई कुआं नहीं है, बावड़ी नहीं है जहां से हम पानी ला सकें, और हम जो है खड्डों नालों का पानी जो है वहां का पानी जो है पीने के लिए मजबूर है,
और इससे जो है हमें हमारी सेहत के लिए खतरा है ये, हमारे बच्चों के लिए। हम जो है वर्किंग है, हमें रोज सुबह अपने जाना होता है, बच्चे स्कूल भेजने होते हैं, और उस टाइम पे हम जो है पानी की इतनी किल्लत की वजह से हमारा सारा काम जो है, हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, पानी जो है उसमें मतलब जिस तरह का हम पानी पी रहे हैं, पीने के लिए मजबूर हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा खतरा है, हमारी सेहत के लिए खतरा है। तो मैं ये प्रशासन से पूछना चाहूँगी कि आप किस तरह के वादे हमसे करते हैं कि हम जो है ये सुविधा प्रदान करेंगे, वो सुविधा प्रदान करेंगे, लेकिन जब प्रदान करने की बारी आती है तो हमें किसी भी तरह के खोखले वादे ही नजर आते हैं। तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहूँगी कि कब तक हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, और हम कब तक इस पानी की समस्या से जूझते रहेंगे। और जब भी ये सरकार आती है, 5 साल तक अपना जो है शासन करती है, लेकिन उन 5 सालों में हमारी किसी भी समस्या को सुलझाती नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या जो है पानी की है, जिससे जो कि हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमें बीमारियां भी लग सकती हैं। और अगर इस तरह की कोई भी बीमारी जो है हमारे गाँव में फैलती है, जहाँ हमारे बच्चों को जो हमें लगती है, तो उसके लिए मैं प्रशासन को जिम्मेवार ठहराऊंगी। वहीं सिंचाई विभाग के एक्शन के कपूर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गाँव रीणा के लिए 2 इंच की पानी की पाइप डाली जा रही थी और उसके आगे 1.5 इंच की पाइप थी। उस लाइन से सिर्फ 10 कनेक्शन सैंक्शन हैं। उन्होंने कहा कि विभाग का यही उद्देश्य है कि जो गांव में पानी जा रहा है उसका समय निर्धारित रखें और एक्स्ट्रा पानी डालकर वॉल डालकर आधा घंटा पानी दें, ताकि इन लोगों को भी पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि जहां तक पानी बंद होने की बात है, उस विषय में अभी पता चला है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। अगर ऐसा होता तो तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाती। उन्होंने कहा कि SDO को बोल दिया गया है कि पानी को तुरंत चालू किया जाए, ताकि गाँव के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि रीना गांव के लिए ऑलरेडी एक मेन स्टोरेज टैंक से 2 इंच की लाइन जा रही थी और उसके आगे 1.5 इंच की लाइन थी। उस लाइन से सिर्फ 10 कनेक्शन जो है वो सैंक्शन हुए हैं। तो एक हार जो विलेज है, जिन लोगों की प्रॉब्लम थी, उनको पानी बिल्कुल नहीं आता था, टेल एंड पे था। उस विलेज को जोड़ने के लिए हमने 1.25 इंच की लाइन डाली थी और हमारा यही इशू था, यही उद्देश्य था कि हम जो रिन्ना में पानी जा रहा है उसकी टाइमिंग हम सेम रखेंगे, इन लोगों को एक्स्ट्रा पानी डाल के, वाल्व डाल के उनको आधा घंटा पानी देंगे, ताकि इन लोगों को भी पानी मिल जाए। लेकिन लोगों ने वहाँ जोर जबरदस्ती की, ST वहाँ पे साइट पे गई, उनको वहाँ काम नहीं करने दिया, जो कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि सरकारी पाइप को जो है लोग अपनी मर्जी से जो काम नहीं रोक सकते। जहाँ तक पानी बंद होने की बात है, मुझे आपके द्वारा ही ये पता लग रहा है, सुबह मुझे बताया गया कि पानी बंद किया है, लेकिन अभी तक मेरे पास किसी ने ऑफिशियली कोई कंप्लेंट नहीं की कि वहाँ पानी बंद है। अगर 5-6 दिन की जैसे आप बात करते थे, अगर ऐसा होता तो मैं डेफिनेटली इस पर एक्शन लेता और मैं ST को बोल दिया कि जैसे पानी दूसरी लाइन से जो है उसको चालू करें, ताकि उन लोगों को पानी मिलता रहे। और जो डिस्प्यूटेड लाइन है, और जब तक, क्योंकि पुलिस में ST साहब ने उसकी FIR लॉज कराई है, इन लोगों ने बदतमीजी की है, तो उस पर जब एक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंगली जो भी डिसीजन होगा, उस पर कार्रवाई करेंगे। नूरपुर से भूषण की रिपोर्ट।